मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फटे हुए दूध से पनीर भुर्जी। ये 2 लीटर दूध था जो कि हमारा फट चुका था, जिसका पानी हमने निकाल लिया है, इसका भुर्जी बनाएंगे। तो चलो बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे जीरा डालेंगे। एक हरी मिर्च हमने लिया है, इस तरह बारीक काट लिया है। 3 लहसुन लिया था, इस तरह लहसुन को भी छोटे छोटे आकार में हमने काट के ले लिया है। अच्छा कलर आ जाए लहसुन में, इसमें हम डालेंगे प्याज। एक हमने बड़ा साइज प्याज लिया था, इस तरह बारीक बारीक काट के ले लिया है। लहसुन और मिर्ची में अच्छा कलर आ चुका है, तभी इसमें हम डालेंगे प्याज कटा हुआ। प्याज को भी अच्छा कलर आने तक हमें भूनना है। प्याज में भी अच्छा कलर आ चुका है, तभी इसमें हम डालेंगे टमाटर। एक बड़े साइज का हमने यहाँ पे टमाटर लिया था, इसे भी इसमें ऐड करेंगे। टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें भूनना है टमाटर को। टमाटर हमारे लगभग सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें अभी कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखी नहीं होती है, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे इसमें, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले भी थोड़े पक जाएं, इसका कच्चापन निकल जाए मसालों का। टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, यानी कि पक चुके हैं टमाटर, तो इसी तरह मैश कर दें टमाटर को, इसका अच्छा बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये जो फटे हुए दूध का पनीर था, इसे हाथों से इस तरह फोड़ दें छोटा छोटा। इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे हम। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और झटपट भी बन के तैयार हो जाती है। और कभी भी दूध फटे तो फेंके ना, इसी तरह का भुर्जी बना के खाएं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को। तो हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, तभी 2 मिनट लिए इसे ढकना है हमें, 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं ढकना है। लोगों मिनट हो चुके हैं, तभी हम खोल लेते हैं। देखिए साइड साइड से पूरे तेल निकल गए हैं, देखिए अब बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, इसे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही सॉफ्ट रहता है, एकदम खाने में एकदम क्रीमी क्रीमी लगता है। अभी इसमें हम थोड़ा धनिया डालेंगे, हरी धनिया 2 से 3 चम्मच के करीब है। अभी गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।